गुड मॉर्निंग क्लास, दिस इज योर कंप्यूटर क्लास फॉर क्लास सेकेंड. सो बिफोर योर टेस्ट आई एक्सप्लेन्ड यू चैप्टर नंबर 4. So in today class we are going to complete the exercise in question answer of this chapter. So take out your book, pencil, eraser and notebook also and come on page number 28. So here is a page number 28 and in this page computer devices is given. Chapter 4 is given. First of all, we are going to revise this chapter and after that we are going to complete the exercise and question answer. Okay? So, listen carefully what I say. देखिए इसमें क्या है, कंप्यूटर डिवाइसेस के बारे में बताया गया है. तो कंप्यूटर डिवाइसेस को मेनली 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया था, इनपुट डिवाइस, आउटपुट डिवाइस, स्टोरेज डिवाइसेस. ये मैंने आपको पढ़ाया था. अब मैं इनपुट डिवाइसेस क्या होती हैं, कंप्यूटर में जब कभी भी हम इंस्ट्रक्शन देते हैं, कमांड देते हैं, कोई वर्क करने के लिए उसे इन्फॉर्म करते हैं, ठीक है, तो वो चीज जिसके हेल्प से हम उसे देते हैं कमांड या इंस्ट्रक्शन, उसे हम क्या कहते हैं, इनपुट डिवाइस कहते हैं. और ये इनपुट किस फॉर्म में जाती है, टेक्स्ट या सिम्बल्स के फॉर्म में जाती है, ठीक है. तो किन डिवाइसेस से हम इनपुट देते हैं कंप्यूटर को, तो फर्स्ट है कीबोर्ड. कीबोर्ड के हेल्प से हम कोई भी इंस्ट्रक्शन कंप्यूटर को दे सकते हैं, टेक्स्ट टाइप करके या नंबर्स टाइप करके. इनके बटन्स को क्या कहा जाता है, कीज कहा जाता है. सेकंड आपने देखा था माउस, इससे हम सेलेक्ट करके कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शन दे सकते हैं. स्कैनर एक फोटोकॉपियर मशीन की तरह से होता है, जो आपके बुक के किसी इमेज को वहां पे डॉक्यूमेंट को कंप्यूटर पे शो करने लगता है. माइक्रोफोन क्या होता है, म्यूजिक साउंड्स इसको स्टोर करने का काम करता है. तो ये सब क्या है, इनपुट डिवाइसेस हैं. सेकेंड आपने देखा था आउटपुट डिवाइस. आउटपुट डिवाइस क्या होता है, जब कोई चीज हम इनपुट देते हैं, इंस्ट्रक्शन देते हैं कंप्यूटर को, तो वो उस पर वर्क करता है. वर्क करता है तो उसे हम क्या कहेंगे, प्रोसेसिंग कहेंगे. क्या कहेंगे, प्रोसेसिंग. और प्रोसेसिंग होने के बाद से वो क्या करता है, एक रिजल्ट हमें देता है. जो हमें, हम उसे वर्क दे देते हैं उसका एक रिजल्ट हमें देता है, तो वो क्या होता है, आउटपुट होता है. तो जिस डिवाइस के थ्रू वो हमें रिजल्ट दिखता है उसे हम क्या कहते हैं, आउटपुट डिवाइसेस कहते हैं. क्या कहते हैं, आउटपुट डिवाइसेस कहते हैं. तो फर्स्ट आउटपुट डिवाइसेस क्या है, मॉनिटर. आप कोई भी चीज कंप्यूटर में इंस्ट्रक्शन दीजिए, उसका रिजल्ट आपको किस पे शो होता है, मॉनिटर की स्क्रीन पे शो होता है. तो इसीलिए मॉनिटर को आउटपुट डिवाइस काउंट किया गया है. और उसकी जो स्क्रीन होती है, उस वो क्या होती है, फ्रंट पोर्शन जो होता है उसका, वो स्क्रीन होती है. मतलब ये पोर्शन इंक्रीज होता, स्क्रीन होता है. और मॉनिटर को ही हम क्या कहते हैं, विजुअल डिस्प्ले यूनिट मींस वीडियो कहते हैं. सेकंड है प्रिंटर. जो भी आउटपुट डिवाइसेस, मतलब जो भी आउटपुट पे दिखता है, अगर वो आपको पेपर में चाहिए, पेज पे चाहिए वो रिजल्ट, तो वो रिजल्ट आप प्रिंटर के द्वारा बाहर निकाल सकते हैं. तो इसका भी मतलब क्या हो, प्रिंटर से आप उस चीज का आउटपुट ही तो निकाल रहे हैं, तो वो क्या हो जाएगा, प्रिंटर भी इस कारण क्या है, आउटपुट डिवाइस है. और प्रिंटर 2 टाइप्स के होते हैं, इंकजेट और लेजर. ये आप शॉप पे, कैफे में देखते भी होंगे, कई लोग के घर पे भी आपको अवेलेबल मिलता है, ठीक है. थर्ड है स्पीकर. स्पीकर क्या करता है, स्पीकर के हेल्प से हम कोई भी म्यूजिक या साउंड्स को सुन सकते हैं, ठीक है. तो वॉइस साउंड जो है कंप्यूटर पे है, उसको सुनने के लिए वो क्या हम यूज करते हैं, स्पीकर. तो स्पीकर क्या कर रहा है, उसकी आवाज साउंड्स को बाहर निकाल रहा है. तो ये भी क्या है, एक आउटपुट डिवाइस है. हेडफोन क्या है, एक स्मॉल स्पीकर होता है, जिससे हम किसी को डिस्टर्ब किए बिना डिफरेंट टाइप्स ऑफ साउंड्स को सुन सकते हैं. हेडसेट जो है वो हेडफोन और माइक्रोफोन दोनों का काम करता है, मतलब उसमें रिकॉर्ड्स भी होते हैं वॉइस साउंड, और वो हमें सुनाई भी देते हैं, ठीक है. चलिए नेक्स्ट थर्ड टाइप है स्टोरेज डिवाइस. अब स्टोरेज डिवाइस क्या है, इनपुट और आउटपुट तो हो गया, आपने समझ लिया कि कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शन दिया गया, प्रोसेस हुआ, रिजल्ट आया. बट ये चीजें सेफ कहाँ होती हैं, अगर हमें उसे सेव करना है तो वो कहाँ होती है, तो जिस डिवाइस में वो चीजें सेव होती हैं उसे हम स्टोरेज डिवाइसेस कहते हैं. क्या कहते हैं, स्टोरेज डिवाइस कहते हैं. फर्स्ट है हार्ड डिस्क.
तो हार्ड डिस्क सबसे बड़ा स्टोरेज डिवाइस होता है और इसे इसमें बहुत ज़्यादा इंफॉर्मेशन आप स्टोर कर सकते हैं, ठीक है। ये सीपीयू बॉक्स के अंदर होता है। सेकेंड है कॉम्पैक्ट डिस्क, जिसे हम सीडी कहते हैं। ये सर्कुलर शेप का होता है और इस स्टोरेज डिवाइस को आसानी से आप कहीं पर भी ले जा सकते हैं, बट इसका स्टोरेज हार्ड डिस्क से क्या होता है, कम होता है। थर्ड है डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क DVD, तो ये भी अधिक मात्रा में डाटा स्टोर करता है। इसकी स्टोरेज कैपेसिटी जो है CD से अधिक होती है, बट HD मतलब हार्ड डिस्क से कम होती है। फोर्थ है पेन ड्राइव। तो पेन ड्राइव क्या है, आप लोग कई लोग इसे देखे होंगे, USB फ्लैश ड्राइव भी इसको कहा जाता है। पेन ड्राइव की भी स्टोरेज कैपेसिटी जो है वो क्या होती है, DVD से अधिक होती है लेकिन हार्ड डिस्क से कम होती है। मतलब हार्ड डिस्क की स्टोरेज कैपेसिटी सबसे अधिक होती है, फिर पेन ड्राइव होता है, तब DVD होता है, आफ्टर डैट सबसे लास्ट क्या होता है, CD होता है, जिसकी सबसे कम स्टोरेज होती है। ये मैंने आपको पढ़ाया था, तो ये हमारा रिविजन हो गया। नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट द एक्सरसाइज, सो लेट्स स्टार्ट। So take your pencil and start filling the exercises. First question is tick the correct option. Means यहाँ पे statement दिया है और options दी हैं, जो सही option होगा उसे आपको tick करके fill करना है। तो first है the full form of CD. CD का full form क्या है, control disc, compact disc या cover disc। अभी आप revision में देखा कि compact disc जो होता है वो CD का full form होता है, तो यहाँ लिखेंगे COMPACT, compact DISC disc, compact disc, full form of CD is compact disc। second है the printed copy on paper is called, जो printed copy होता है वो paper पे उसे हम क्या कहते हैं, तो क्या कहते हैं, देखिए यहाँ पे आपको मैं बता दूँ, यहाँ पे होता है जो मॉनिटर स्क्रीन पे होता है उसे सॉफ्ट कॉपी कहते हैं, और जो पेपर पे होता है उसे हम हार्ड कॉपी कहते हैं। तो यहाँ पे क्या दिया है, कॉपी ऑन पेपर दिया है ना, तो डेट मीन ये क्या हो जाएगा, हार्ड कॉपी, HARD हार्ड, COPY कॉपी, हार्ड कॉपी। थर्ड है डैश हैज द लार्जेस्ट स्टोरेज कैपेसिटी, सबसे अधिक स्टोरेज कैपेसिटी किसकी होती है, CD, DVD या हार्ड डिस्क, तो किसकी होती है, हार्ड डिस्क। अभी आपको बताया कि सबसे अधिक हार्ड डिस्क, देन पेन ड्राइव, देन DVD एंड लास्ट वन इज CD। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, हार्ड डिस्क, HARD DISK डिस्क, हार्ड डिस्क, समझ में आ गया। चलिए नेक्स्ट देखिए, मैच द कॉलम है, तो यहाँ फिगर दिए हुए हैं और नेम दिए, तो हमें उस नेम को देखते हुए उसके फिगर से मैच कराना है। तो मैच हम लाइन से नहीं करेंगे, हम नंबरिंग करेंगे। तो फर्स्ट है स्कैनर, अब बताइए इसमें से स्कैनर कौन सा है, तो स्कैनर एक फोटोकॉपियर मशीन है, तो मशीन इसमें कौन दिख रहा है, यही तो दिख रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, स्कैनर हो जाएगा, तो हम यहाँ पे 1 लिख देंगे। सेकेंड है स्पीकर, स्पीकर कौन सा है, देखिए स्पीकर कौन सा है, तो स्पीकर क्या है, यही है जिससे हम साउंड सुनते हैं, म्यूजिक सुनते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। थर्ड कीबोर्ड, कीबोर्ड क्या है, यहाँ A पे है जिससे हम कोई भी चीज़ टाइप करते हैं कंप्यूटर में, तो कीबोर्ड हो गया। फोर्थ क्या है, DVD, तो DVD क्या है, DVD ऑलरेडी लिखा हुआ है, तो आप इसे 4 लिख के DVD से मैच कराइए। और लास्ट वन हार्ड डिस्क, तो हार्ड डिस्क क्या है, रेक्टेंगुलर शेप का होता है जो कि हमारे CPU बॉक्स में होता है, ये एक स्टोरेज डिवाइस है, तो हार्ड डिस्क क्या हो जाएगा, C मीन्स 5th, उस पर नंबरिंग आप कर देंगे, ठीक है, 3, 4, 5, 1, 2 हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर C है, राइट T फॉर ट्रू एंड F फॉर फॉल्स, मीन्स जो करेक्ट स्टेटमेंट होगा, जो करेक्ट स्टेटमेंट होगा उसके लिए T और जो रॉन्ग स्टेटमेंट होगा उसके लिए फॉल्स, जो रॉन्ग स्टेटमेंट होगा उसके लिए फॉल्स। तो फर्स्ट है आउटपुट डिवाइसेस आर यूज्ड टू गिव कमांड, आउटपुट डिवाइसेस किस लिए यूज होते हैं, कमांड्स देने के लिए, तो ये हमें कमांड्स देते हैं, मतलब कंप्यूटर को कमांड्स देते हैं, नहीं ना, कंप्यूटर का कमांड या इंस्ट्रक्शन कौन देता है, इनपुट डिवाइसेस देते हैं, आउटपुट तो उसका रिजल्ट शो करते हैं, तो ये रॉन्ग स्टेटमेंट होगा, दैट वाई वी आर गोइंग टू राइट हियर F, व्हाट वी राइट, F मीन्स फॉल्स। सेकेंड है पेन ड्राइव, पेन ड्राइव इज ऑल्सो नोन एज USB फ्लैश ड्राइव, पेन ड्राइव एक स्टोरेज डिवाइस है जिसे हम USB फ्लैश ड्राइव कहते हैं, तो अभी आपने जस्ट पढ़ा कि इसे USB फ्लैश ड्राइव भी कहते हैं, That's why this statement is correct, means true,
एंड वी आर गोइंग टू राइट हियर टी. टी मीन्स ट्रू. टी मीन्स ट्रू. थर्ड वन इज ए स्कैनर इज यूज टू टाइप वर्ड्स. स्कैनर इज यूज टू टाइप वर्ड मतलब स्कैनर से हम वर्ड्स को टाइप करते हैं नहीं, बुक्स की इमेजेस को आप कंप्यूटर में स्टोर करते हैं उसमें उसका शो हो जाता है, तो ये क्या है, फॉल्स होगा. तो दैट्स वाई वी आर गोइंग टू राइट हियर एफ. व्हाट वी आर गोइंग टू राइट एफ. एफ मीन्स फॉल्स, मीन्स दैट दिस स्टेटमेंट इज रॉन्ग. फोर्थ वन इज स्टोरेज डिवाइसेज आर यूज टू एंटर द डाटा इनटू द कंप्यूटर. स्टोरेज डिवाइस का यूज हम डाटा कंप्यूटर में डाटा डालने के लिए करते हैं क्या, या इंस्ट्रक्शन डालने के लिए करते हैं? नहीं, डालने के लिए नहीं बल्कि उसमें स्टोर करने का काम करते हैं. दैट्स व्हाई दिस स्टेटमेंट इज रॉन्ग एंड वी आर गोइंग टू राइट हियर एफ. एफ मीन्स फॉल्स, मीन्स रॉन्ग स्टेटमेंट. फिफ्थ वन इज पेन ड्राइव इज कनेक्टेड थ्रू यूएसबी पोर्ट. पेन ड्राइव को ही हमने क्या कहा है, यूएसबी फ्लैश ड्राइव कहा है. और लैपटॉप हुआ या सीपीयू बॉक्स होता है तो उसमें यूएसबी पोर्ट्स दिए रहते हैं जहां पे पेन ड्राइव को कनेक्ट किया जाता है. सो दिस स्टेटमेंट इज राइट. दैट्स व्हाई वी आर गोइंग टू राइट हियर टी. टी मीन्स ट्रू, मीन्स दिस स्टेटमेंट इज करेक्ट. ओके, सो फर्स्ट वन इज फॉल्स, सेकेंड ट्रू, थर्ड फॉल्स, फोर्थ फॉल्स, फिफ्थ ट्रू. हैव यू कंप्लीटेड? ओके, so let's start next question. The next question is D, fill in the blanks using the words given below. यहाँ पे fill in the blanks आपको दिए हुए हैं, statement दिए हैं blank के साथ. ठीक है, यहाँ पे statement दिए हैं blank के साथ और यहाँ पे hint दिए हुए हैं, उन hint के help से हम इन statements को क्या करेंगे, complete करेंगे. ठीक है, dash is an input device. अब देखिए hint में क्या दिया है, स्कैनर, प्रिंटर, डीवीडी, सीपीयू, माउस, इसमें से इनपुट डिवाइस कौन सा है, कौन सा है बताइए. तो जिसके हेल्प से हम कमांड या इंस्ट्रक्शन दे सकते हैं कंप्यूटर को, किसके हेल्प से देते हैं, माउस के हेल्प से. किसके हेल्प से, माउस के. तो हम यहाँ लिखेंगे एम ओ यू एस ई, माउस, माउस. सेकेंड है द डैश इज यूज टू प्रिंट द रिजल्ट ऑफ वर्क डन बाय द कंप्यूटर ऑन अ पेपर. किसके हेल्प से, जो भी रिजल्ट कंप्यूटर पे आता है उसको हम पेपर पे लिखते हैं. किसके हेल्प से लिखते हैं, तो किसके हेल्प से लिखते हैं, प्रिंटर के हेल्प से लेते हैं. किसके हेल्प से, प्रिंटर. तो हम यहाँ पे लिखेंगे पी आर आई एन टी ई आर, प्रिंटर. ठीक है, वी आर राइट हियर प्रिंटर. थर्ड वन इज द स्टोरेज कैपेसिटी ऑफ अ डैश इज मोर देन अ सीडी. किसकी स्टोरेज कैपेसिटी जो है सीडी से अधिक होती है, तो किसकी होती है, यहाँ एक ही स्टोरेज डिवाइस का नाम दिया है एंड दिस डिवाइस इज डीवीडी. सो हियर वी आर गोइंग टू राइट डीवीडी. व्हाट वी राइट हियर, डीवीडी. ओके, फोर्थ वन इज हार्ड डिस्क इज फिक्स्ड इनसाइड द डैश बॉक्स. हार्ड डिस्क इज फिक्स्ड मतलब हार्ड डिस्क किस में फिक्स है, किस बॉक्स में फिक्स है, तो किस में है, सीपीयू बॉक्स में. किसमें, सीपीयू बॉक्स में. सो हियर वी आर राइट सीपीयू, मीन्स सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट. ये एक प्रोसेसिंग डिवाइस है. फिर डैश वर्क्स लाइक अ फोटोकॉपियर मशीन. कौन फोटोकॉपियर मशीन के तरह काम करता है, तो यहाँ पे मैंने दिखाया भी और बताया भी कि फोटोकॉपियर मशीन की तरह काम करता है. फर्स्ट, फर्स्ट क्या है, स्कैनर. सो हियर इज योर आंसर इज स्कैनर. सो लेट्स राइट हियर एस सी ए डबल एन ई आर, स्कैनर. एस सी ए डबल एन ई आर, स्कैनर. कंप्लीट हो गया आपका, आपने लिख लिया. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन. तो आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन आपको किसमें करना है, अपनी नोटबुक में करना है और ये सारी चीजें आपकी बुक में ही रहेंगी. सो टेक आउट योर नोटबुक. So first of all, you have to write today's date, chapter number and chapter name. Okay, in new page. And then after writing this, you are going to write answer the following question as I written here. So let's see what was the answer of the following question. So our first question is, question 1, name any two input devices.
कोई भी दो इनपुट डिवाइसेस के नाम बताइए। तो दो इनपुट डिवाइसेस कौन से होंगे, तो पहले हम लिखेंगे टू इनपुट डिवाइसेस। टू इनपुट डिवाइसेस आर, कोई भी दो लिख लीजिए। तो आप लिखिए कीबोर्ड एंड माउस, कीबोर्ड एंड माउस, ठीक है। सेकेंड है नेम एनी टू आउटपुट डिवाइसेस, कोई भी दो आउटपुट डिवाइसेस के नाम बताइए। तो आंसर क्या लिखेंगे, टू आउटपुट डिवाइसेस आर मॉनिटर एंड प्रिंटर, मॉनिटर एंड प्रिंटर, मॉनिटर एंड प्रिंटर। नेम द डिवाइसेस इन विच यू कैन स्टोर योर वर्क, क्वेश्चन थर्ड इज नेम द डिवाइसेस इन विच यू कैन स्टोर योर वर्क, किन डिवाइसेस में आप अपना वर्क स्टोर करते हैं। तो जो सबसे लास्ट आपने पढ़ा था स्टोरेज डिवाइसेस वही लिखेंगे, हार्ड डिस्क, कॉम्पैक्ट डिस्क, डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क एंड पेन ड्राइव, HD, CD, DVD एंड PD। यहाँ पे इस सिंबल का मतलब क्या होता है, एंड होता है, तो आप एंड लिखिएगा, हार्ड डिस्क, कॉम्पैक्ट डिस्क, डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क एंड पेन ड्राइव, हो गया। अब देखिए ये क्वेश्चन 3 तक तो आपके बुक में दिए हुए हैं और क्वेश्चन 4 जो है मैंने एक्स्ट्रा करवाया है जो कि आपको करना है। तो क्वेश्चन 4 क्या है, इन हाउ मेनी ग्रुप्स कंप्यूटर पार्ट्स आर कैटेगराइज, कंप्यूटर पार्ट्स को कितने ग्रुप में कैटेगराइज किया गया, मतलब डिवाइड किया गया है। तो आंसर है कंप्यूटर पार्ट्स आर कैटेगराइज इन 3 ग्रुप्स, कंप्यूटर पार्ट्स आर कैटेगराइज इन 3 ग्रुप्स। फर्स्ट वन इज इनपुट डिवाइसेस, सेकेंड वन इज आउटपुट डिवाइसेस एंड थर्ड वन इज स्टोरेज डिवाइसेस। इनपुट डिवाइसेस, आउटपुट डिवाइसेस एंड स्टोरेज डिवाइसेस, ठीक है। तो ये आपका क्वेश्चन आंसर कंप्लीट हो जाता है। और प्लीज इसको नीट एंड क्लीन हैंड राइटिंग में अपने नोटबुक में आप लिखिएगा, ठीक है। चलिए अब आ जाइए बुक पे। तो बुक पे आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन आपका कंप्लीट होता है, नेक्स्ट पेज टर्न कीजिए और नेक्स्ट पेज पे आपका क्वेश्चन भी जो होगा आपका होमवर्क होगा, ठीक है। इस पे इनपुट आउटपुट और स्टोरेज डिवाइसेस के पिक्चर्स लगाने हैं, उनके नेम भी लिखने हैं, ठीक है। तो ये काम आप कीजिएगा और नेक्स्ट देखिए क्रैक द कोड। अब यहाँ पे कोड्स को क्रैक करना है, ठीक, तो फिल करना, मतलब मिसिंग लेटर है उसको फिल करना है। तो चलिए यहाँ से स्टार्ट करते हैं। ये क्या है, किसका फिगर है, कंप्यूटर का। तो यहाँ पे किसका स्पेलिंग होगा, कंप्यूटर का। तो देखिए CO फिर N दिया है, PUTER, तो ये कंप्लीट क्या हो गया, कंप्यूटर, मतलब जैसा दिया है एकदम उसको सेटिस्फाइड ये स्पेलिंग कर रही है ना, तो दैट्स वाई ये आपका मतलब, इसका मतलब हुआ कि ये स्पेलिंग आपकी करेक्ट है, ठीक। सेकेंड क्या दिया है, ये देखिए ये क्या है, तो ये CPU है, क्या है, CPU, क्या है, CPU। ये क्या है, प्रिंटर है, क्या है, प्रिंटर, तो P लिखा है, आगे लिखे RINTER, प्रिंटर, ठीक। ये किसका फिगर है, कीबोर्ड का, तो यहाँ K लिखा है तो इसके कंटिन्यू कीजिए स्पेलिंग, KEYBOARD, कीबोर्ड, कीबोर्ड, ठीक है। ये क्या है, स्पीकर है, किसका फिगर है, स्पीकर, तो हम यहाँ कंटिन्यू करेंगे स्पेलिंग, SPEAKERS, स्पीकर्स, क्या हो जाएगा, स्पीकर्स। ये किसका फिगर है, मॉनिटर का, तो MONI दिया हुआ है, फिर TOR भी दिया है, तो ये हो गया मॉनिटर, ठीक। लास्ट फिगर किसका है, देखिए लास्ट फिगर नहीं है, सेकेंड लास्ट यहाँ पे देखिए क्या है, DVD, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, DVD। और ये लास्ट फिगर आपका क्या है, माइक्रोफोन, तो चलिए देखते हैं, MICRO, माइक्रो, PHONE, माइक्रोफोन, ठीक है। तो ये आपको समझ में आ गया, तो इसको स्पेलिंग एकदम करेक्ट कीजिएगा, तो अपने आप सारे ब्लैंक्स कंप्लीटली फिल हो जाएंगे, फिगर को देखते हुए आप उसका सही नेम सही स्पेलिंग के साथ फिल कीजिएगा, ठीक। चलिए लास्ट क्वेश्चन है, हु एम आई, राइट माई नेम इन द स्पेस पर। यहाँ पे कुछ हिंट्स दिए हैं, इनका नेम हमें यहाँ लिखना है, ठीक है। तो देखिए क्या है, गेस करना है, आई हैव टू बटन्स एंड अ स्क्रॉल व्हील, मेरे पास दो बटन है, एक स्क्रॉल व्हील होती है जिसमें बीच में एक व्हील्स लगी रहती है, तो वो किस कौन होता है, तो वो माउस होता है, क्या होता है, माउस, MOUSE, माउस,
MOUSE माउस। सेकेंड है आई वर्क लाइक अ फोटो कॉपी मशीन। अभी प्रीवियस पेज पे आपने दो दो क्वेश्चन में ये देखा वर्ड फोटो कॉपियर मशीन। तो फोटो कॉपियर मशीन किसको कहा जाता है? स्कैनर को, SCANNER स्कैनर, SCANNER स्कैनर। थर्ड है आई एम यूज टू रिकॉर्ड वॉइस म्यूजिक एंड साउंड। मैं जो भी आवाज है, साउंड है, म्यूजिक है, उन सबको रिकॉर्ड करता हूँ। तो कौन है? माइक्रोफोन, MICROPHONE माइक्रोफोन, MICROPHONE माइक्रोफोन। फोर्थ है आई गिव द आउटपुट ऑन पेपर। मैं पेपर पे आउटपुट देता हूँ। तो कौन देता है? प्रिंटर देता है, PRINTER प्रिंटर। अगर मैंने जो समझाया आपको, एक्सप्लेन किया, अगर आपको वो चीजें समझ आई हैं तो आप आसानी से इसका आंसर कर लोगे, ठीक है। आई प्ले साउंड्स, मतलब साउंड्स चलाता हूँ, गाने चलाता हूँ। तो क्या है? हेडफोन, HEAD हेड, PHONE हेडफोन, HEAD PHONE हेडफोन, ठीक है। तो ये आपका कंप्लीट होता है। अब इस क्वेश्चन को आप क्या करेंगे, नोटबुक में अपने करेंगे, डू इन नोटबुक, ठीक है, ये नोटबुक में करेंगे, ठीक। तो इस क्वेश्चन को आप क्या करेंगे, नोटबुक में करेंगे, और क्वेश्चन आंसर भी आप नोटबुक में ही करेंगे, ठीक है। सो इसी के साथ ये चैप्टर आपका चैप्टर 4 कंप्लीट होता है। इसका मैंने एक्सप्लेनेशन भी रिवाइज करा दिया, प्लस मैंने एक्सरसाइज और क्वेश्चन आंसर सारा आपको कंप्लीट करा दिया है। तो आप नीट एंड क्लीन हैंड राइटिंग में अपने बुक और नोटबुक दोनों में लिखिएगा। इसी के साथ आज की क्लास हमारी यहीं ओवर होती है। थैंक यू।